नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज को और आप सभी का एग्री अनुज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि सस्य विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो 2022 में जो है यूपी बोर्ड में पूछा गया था। तो इसमें आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ये निर्देश खुद दिए हुए हैं, ये पढ़ लेना आप लोग। और इसके बाद में जो क्वेश्चन के पूछे गए थे वो ये है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन सी एक दलहनी फसल है, दलहनी फसल कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बरसीम हो जाएगा। ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि धान का फैमिली क्या है, पोएसी। आलू की होती है सोलनेसी और मक्का की होती है पोएसी। बरसीम की फैमिली क्या होती है, वो होती है लेग्यूमिनेसी या दलहनी कुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बरसीम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है, जो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जलोढ़ मृदा है। वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है जलोढ़ मृदा, ये उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न पोषक तत्वों में से किसकी कमी का लक्षण है। पौधे के शीर्ष कलिका पर दिखाई देता है, जो शीर्ष कलिका है उस पर कौन न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोरान। इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हो, कैप। इसे कैप होता है, कैप की बजाय कैब, कैब। तो कैल्शियम और बोरान की जो कमी है वो कहाँ होती है, शीर्ष पर। क्योंकि कैप से आप याद रख सकते हो, कैप, कैप आप सिर पर लगाते हैं, उसी लिए आप यहाँ पर कैप कर लीजिए, कैप। कैल्शियम एंड बोरान, बोरान जो है शीर्ष पर, यानी कि शीर्ष पर जो है इनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कैल्शियम और बोरान के, कैप। इससे याद रखिएगा। तो एक और, यदि आप इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो हम इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन था जैविक खाद का उदाहरण है, जो जैविक खाद है उसका कौन सा उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खली। खली जो है वो जैविक खाद है, और यूरिया जो रॉक फास्फेट है, ये सब जो है ये सब फर्टिलाइजर है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये जैव उर्वरक है। अगला है, निम्न में से कौन सी फसल की, कौन हरी खाद की फसल नहीं है, हरी खाद की फसल कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मक्का। सनाई, लोबिया, ढैचा जो है ये सब हरी खाद के लिए यूज की जाती है, बट जो है मक्का जो है नहीं यूज किया जाता है। अब बात करें निश्चित उत्तरियों में, क्वेश्चन पूछे गए थे कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जाहिर सी बात है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्लैक्सिन मैक्स। अगला है, लाल रोग, काना रोग या लाल सड़न रोग किस फसल में लगता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो गन्ना, गन्ने में लगता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है द्वितीयक पोषक तत्वों का एक उदाहरण लिखिए। जो द्वितीयक पोषक तत्व है उसमें आ जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो तीन हैं ये द्वितीयक हैं, सेकेंडरी हैं न्यूट्रिएंट। और जो एन पी के नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास है वो आ जाएगा आपका प्राइमरी में, प्राइमरी न्यूट्रिएंट है ये। नेक्स्ट आया था कि सॉइल किस भाषा का शब्द है। सॉइल इज़ द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। जो सॉइल है वो लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है कि फ्लोर। अगला था कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। जो वन महोत्सव है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, वन दिवस कहते हैं, 21 मार्च को मनाया जाता है वन महोत्सव। अगला क्वेश्चन आया था अति लघु उत्तरी में कि एक दलहनी एवं एक तिलहनी फसल का नाम लिखिए। तो जाहिर सी बात आपको पता ही, दलहनी में आप लेग्यूमिनेसी क्रॉप जैसे अरहर है, ये सब जो है दलहनी में आ जाएगी। तिलहन में सरसों लिख सकते थे, सोयाबीन एवं सरसों की दो प्रजातियाँ लिखिए। सरसों की जैसे पूसा बोल्ड है, क्रांति है, और सोयाबीन की जैसे कि शिलाजीत है, अंकुर है, अलंकार है, ये सब लिख सकते थे इसमें। अगला है मृदा गठन के दो महत्व लिखिए था, ये क्वेश्चन आया था। मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त होने के दो साधन लिखिए। इन सब चक जो और जो है था मृदा प्रदूषण में दो
प्रमुख कारण लिखिए। गया था कि हरी खाद किसे कहते हैं, हरी खाद के बारे में लिखना था इसमें, हरी खाद के प्रयोग की विधि, उनसे लाभ के बारे में लिखना था काफ़ी अच्छा। अगला था कि आधुनिक कृषि एवं पर्यावरण पर प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मृदा के प्रमुख भौतिक गुणों के नाम लिखिए एवं मृदा संरचना के प्रकार बताइए। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चनों में पूछा गया था कि अरहर की खेती का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, जैसे कि भूमि, बीज दर, बुआई का समय और शोधन की क्रिया के कैसे करते हैं उसमें, और नस्ल प्रजातियों के बारे में पूछा गया था, और एक प्रमुख रोग एवं उसके नियंत्रण के बारे में पूछा गया था इसमें। या फिर इसके जगह पर आप अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं उसके सुधारों के ऊपर आपको जो है लिखना था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आलू की खेती का वर्णन कीजिए शीर्षकों के अंतर्गत, जो शीर्षकों के अंतर्गत करना था उसमें पहला था बीज दर एवं बीज शोधन किसके द्वारा किया जाता है, खाद एवं उर्वरक एवं सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण, या फिर आप इसके जगह पर संकर धान की नर्सरी तैयार करने के लिए रोपाई एवं विस्तृत वर्णन के बारे में पूछा था। तो यदि यही पूरा पेपर जो है यूपी बोर्ड में पूछा गया था। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।